नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं हरी सब्जियों के बारे में। जी हाँ, आप सबको पता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन पत्ते वाली जो भी सब्जियाँ होती हैं हम खाते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं, डिटॉक्स करते हैं बॉडी को और बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम इन्हीं कुछ ग्रीन चीज़ों से मिलाकर एक ड्रिंक बनाने वाले हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी। ये कच्चा आम है, इसी मौसम में मिलने वाला है, कुछ टाइम बाद तो मिलने नहीं वाला है। तो हम इस कच्चे आम से एक केरी की छाछ बनाने वाले हैं आज। हम चटकारा लगाएंगे वो केरी की छाछ का लगाने वाले हैं। और क्योंकि इस टाइम इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है और काम करने बाहर जाना ही पड़ेगा, लू चल रही है, लू से बचना है तो केरी की छाछ पनाव इज़ वेरी गुड। तो केरी को छील के मैं काट रही हूँ, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं, बस वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना है। देखिए 5 मिनट में बन जाने वाली है, बॉटल में भर कर दे सकते हैं आप, घर वापस आए काम करके तब पिला सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी ड्रिंक, हमें लू से भी बचाएगा और डिटॉक्स भी करेगा और बहुत सारी चीज़ों में हमें फ़ायदा करेगा। डेफिनेटली सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, राइट। तो अब हमें करना क्या है, बस देखिए एक जार ले लेते हैं हम, मिक्सी का एक जार, और इसमें डाल देते हैं हम ये केरी काटी थी हमने, एक केरी डाल दी हमने, और मिर्ची बस ऐसे ही तोड़ के डाल देंगे, राइट। मैंने यहाँ 2 मिर्ची लिए हैं, आप इसे अगर तीखा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें और मिर्ची डाल सकते हैं। फिर ये धनिया है और ये पुदीना, दैट्स इट बस। तो इसको अब फटाफट ग्राइंड कर लेते हैं हम लोग। चलिए, ये मैंने इसमें पानी डाल के थोड़ा सा पेस्ट बना लिया है, बस अब हम इसको छान लेते हैं चलनी से, अगर कुछ गुठली है तो वो सब निकल जाएगी इसी में, इसलिए फटाफट इसको हम छान लेते हैं। और इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो, हरी चीज़ें तो जो भी खाएंगे हम हमारी बॉडी के लिए हमेशा ही अच्छा रहेगा, और गर्मी के टाइम पे इट्स अ वेरी हेल्दी ड्रिंक। चलिए हमने इसको छान लिया है, अब बस इसके अंदर बारी आई मसाला मिलाने की। सबसे पहले हम इसके अंदर मिला लेते हैं काला नमक। काला नमक थोड़ा सा ही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि बाकी और भी चीज़ें जो हम डालेंगे उसके अंदर ऑलरेडी नमक है, सादा नमक हमारा, इसलिए ये डाला मैंने काला नमक। ये भुना हुआ जीरा है, इसको भुने हुए जीरे को डाल देते हैं। और जो थर्ड चीज़ है ये है हमारी जलजीरा पाउडर, ये हम 2 पैकेट यूज़ करने वाले हैं। इसके बैक साइड में लिखा है कि इसके अंदर आयोडाइज सॉल्ट ऑलरेडी है, इसलिए मैंने पहले नमक कम डाला है। तो आप भी इसमें नमक स्टार्टिंग में कम ही डालिएगा, बाद में टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको कम लगता है तो आप नमक बाद में ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दिस इज़ सफिशिएंट। तो हमने इसके अंदर जलजीरे के 2 पैकेट डाल दिए हैं, ये दूसरा पैकेट है, एंड दैट्स इट। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए। और इसको हम सिर्फ एज अ ड्रिंक यूज़ नहीं कर सकते, इसका एक और यूज़ है, वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी सी देर बाद। इसमें मैं 1 लीटर पानी डाल रही हूँ, थोड़ा पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर लिया है, बाकी का ये पूरी बॉटल मैंने 1 लीटर पानी इसमें डाल दिया है। अब आप इसको, इट्स रेडी टू यूज़। अब इसको आप ऐसे ही पी लीजिए, ठंडा करके पी लीजिए, बॉटल में भर के दे दीजिए ऑफिस ले जाने के लिए, बच्चों को पिला दीजिए। इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हैं, ऐसे भी चल सकता है, आप चाहें तो इसको खट्टा मीठा बना सकते हैं, तो थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर थोड़ी सी बूंदी ऐड कीजिए, और गोलगप्पे का पानी भी तैयार है, इससे आप गोलगप्पे भी खा सकते हैं। तो बस ये पानी अ ड्रिंक फॉर योर हेल्थ। तो गर्मी है, चीयर्स।